केंद्र सरकार ने अनलॉक टू के लिए जारी किए दिशा निर्देश, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को करेंगे संबोधित। चीन से जारी गतिरोध के बीच केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 ऐप पर लगाया प्रतिबंध। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, प्रदेश में रोजाना 15,000 कोरोना सैंपल की हो जांच। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। अनलॉक टू के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार की देर रात दिशा निर्देश जारी कर दिया है। यह 1 जुलाई से प्रभावी होगा। स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी भी रोक रहेगी। मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम और बार भी फिलहाल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से सरकार निर्धारण करेगी। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू जारी रहेगा। शिफ्ट में काम करने वालों को कर्फ्यू से छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनलॉक 2.0 और देश की मौजूदा हालात पर अपने विचार रखेंगे। चीन से सीमा पर चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन को लेकर लोगों में उत्सुकता है। प्रधानमंत्री का संबोधन दूरदर्शन पर लाइव दिखाया जाएगा। इससे पहले भी पीएम देश को कोरोना के संबंध में कई बार संबोधित कर चुके हैं। एलएसी पर जारी टकराव के बीच केंद्र सरकार ने चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को चीन को सख्त संदेश देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत चीन सीमा पर हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद बिहार सरकार ने चीन की कंपनियों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी वार्ता के अनुसार बिहार सरकार ने इस फैसले के तहत महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर बनने वाले पुल की निविदा को रद्द कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि पिछली निविदा में पुल निर्माण में चीनी कंपनी की भी सहभागिता थी। उन्होंने बताया कि निविदा के रद्द हो जाने के बाद अब नए सिरे से आमंत्रित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच कराई जाए, रोजाना 15,000 सैंपल की जांच शुरू हो। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी तैयारियां पहले से ही कर लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों की सुरक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों को नसीहत दी कि कोरोना संक्रमण से घबराए नहीं, सचेत रहें। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 389 नए मामले पाए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि इस दौरान 223 लोग ठीक हुए हैं। इसी के साथ ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 7,389 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या अब 2,069 है। श्री कुमार ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की जाँच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है, जबकि पॉजिटिव पाए लोगों के संपर्क में आए लोगों की भी जाँच की जा रही है। सैंपल की जांच की है। आपको टेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में मुझे बताना है कि हम लोग आज की तिथि में जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना रहती है हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, वो उनका सैंपल उनका भी सैंपल लिया जाता है। साथ ही पॉजिटिव जो व्यक्ति आते हैं उनके कॉन्टैक्ट का सैंपल लिया जाता है और रैंडम सैंपल्स भी कंटेनमेंट जोन के हर घर से सैंपल लिया जा रहा है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि अन्य राज्यों से बिहार आने वाले श्रमिकों को रोजगार देने के लिए उनकी स्किल मैपिंग कराई गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अब तक 8,93,00,000 मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है, वितरण किया जा रहा है और शहरी क्षेत्र में भी जो जरूरतमंद गरीब परिवार है उनको भी मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। लगातार कई माध्यमों से
प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इसके संक्रमण से लोग सचेत रहें। इधर बिहार सरकार में मंत्री विनोद कुमार सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनके साथ ही उनकी पत्नी की जांच के बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रदेश में अगले 36 घंटों तक मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान पूरे प्रदेश में खासकर उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार में भारी बारिश होने के साथ ही कई स्थानों पर तेज आंधी तूफान के साथ ठनका गिरने की संभावना है। राजधानी पटना में भी रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। राजधानी के पटना के निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भरने के साथ ही कई स्थानों पर के घरों में वर्षा का पानी प्रवेश कर गया है। इससे आम लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जाना पड़ेगा, घर के काम भी करने पड़ेंगे। पिछले साल भी यही हाल हुआ था तो लोग बोले थे कि अब नहीं लगेगा, अब तो रोड में सुधार होगा, लेकिन फिर भी वही हाल है। देख उस वक्त तो बहुत ज्यादा पानी पड़ गया था, थोड़ा सा हल्का बारिश में इतना ज्यादा पानी लग गया है। इधर बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सचेतक और वरिष्ठ नेता अरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि 24 घंटे से अधिक पटना में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। सबने मिलकर ये संकल्प लिए थे और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग संकल्प लिए थे कि इस बार हम जल जमाव नहीं होने देंगे। हम अभी तक हम अक्षरशः उसको पूरा कर रहे हैं। बरसात पानी बरसेगा, जल जमाव होगा, लेकिन पानी रुकते ही 24 घंटे से 25 घंटा नहीं होने पाएगा, 24 घंटे में पानी निकल जाएगा। उधर पूर्वी चंपारण जिले में कई दिनों से हो रही बारिश से किसानों में अच्छे दिन के आने की उम्मीद दिखने लगी है। किसानों का कहना है कि वर्षों बाद आद्रा नक्षत्र में समय से बारिश हो रही है। यह बारिश धान की फसल के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। किसानों का कहना है कि बिना डीजल की खपत के इस बार धान की रोपनी हो रही है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार धान की अच्छी फसल होगी। उनमें वातावरण फेयर हुआ, इसके कारण जो है मानसून पहले आ गया, बारिश अच्छा हुआ है, जिसके कारण सब लोग अपना अपना खेती अपना ढंग से कर रहा है। उनके धान के खेती तो बहुत अच्छा से हो गया है और यादरा बरसल है, में पूरा पानी से हमनी के 80% यानी के खेती कर ले ली। ऐसा अगर हरदफ होके तो हमनी के मोटर भी के चलावे के न पड़ी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने कोलवार स्थित 47 बटालियन पहुंचकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की हौसला अफजाई की। भोजपुर जिले के कोलवार स्थित 47 बटालियन के रिजर्व पुलिस बल के जवानों को संबोधित करते हुए श्री पाटेकर ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। इस मौके पर श्री पाटेकर ने भारत चीन सीमा पर शहीदों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कोरोना महामारी के प्रति जवानों को जागरूक किया। इस मौके पर सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी मौजूद थे। मैं सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमने हमारे जवान गवाए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के मौके पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पटना में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर पीसी महालनवीस की जयंती के साथ ही 14वीं सांख्यिकी दिवस मनाई गई। इस आयोजन में आरोग्यता और कल्याण तथा लैंगिक समानता विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव प्रवीण श्रीवास्तव ने किया। पटना में भाजपा नया टोला मंडल के द्वारा पार्टी के वीर कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में लॉकडाउन के दौरान जिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्कृष्ट कार्य किया था उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि हमारा कर्तव्य जनता की सेवा करना है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प का लाभ अब गांव तक दिखने लगा है। बिहार के सुदूर क्षेत्रों में डीजी गांव स्थापित हुए हैं, जहां लोग इंटरनेट के माध्यम से जरूरी सेवाओं और बैंकिंग का लाभ उठा रहे हैं। भागलपुर जिले में ऐसा ही एक गांव है मंडवा, जहां लोग अपने खेतों के पैसे निकालने के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तक
घर बैठे ही प्राप्त कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये है भागलपुर जिले का मड़वा गांव। इस गांव में स्थित कंप्यूटर सेंटर पर ये छात्रा माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर बेसिक्स के साथ साथ दूसरे जरूरी सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण ले रही है। अंजलि इसी गांव की है और फर्राटे से अंग्रेजी बोल रही हैं। Now I'm doing Microsoft Office. I've opened that and I'm doing the results of some children that I know and I want to know about their total score. That's why I'm doing. ग्रामीण विनय कुमार मिश्र कहते हैं कि गांव में इंटरनेट की सुविधा हो जाने से अब पैसे निकालने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, साथ ही पैसे की बचत भी आसानी से हो जाती है। अरे हम लोग को तो गांव में पैसा मिल जाता है, माने इंटरनेट का सब सुविधा यहीं पर मिल जाता है, इसलिए हम लोग तो बहुत खुश हैं। गांव में स्थित CSC के संचालक मनीष चौधरी कहते हैं कि गांव में इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं के साथ साथ ई मार्केटिंग के जरिए लोगों को सस्ती कीमत पर सैनिटरी नैपकिन का निर्माण करके बेचा जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। भारत सरकार की जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, डिजिटल सेवा का उद्देश्य बस उसी को साकार करने का है कि भारत के आम दूर दराज फैले हुए ग्रामीण क्षेत्र तक भी डिजिटल सेवा की पहुँच। और इसमें अभी जैसे हम लोग ये स्त्री स्वाभिमान प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम लोग गांव में अभी सेंट्री नैपकिन का भी फैक्ट्री लगा के CSC के तरफ से ही लगाए हुए हैं, जिससे क्या है कि हम महिलाओं तक ये सेंट्री नैपकिन जो 100% हाइजीनिक मटेरियल से बना हुआ है सस्ते दरों पे, क्योंकि बाजार में जो बहुत ऊँची लागत होती है लेकिन यहाँ पर सस्ते दरों में हम उपलब्ध करा रहे हैं। भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड का मंडवा गांव विकास की नई इबारत लिख रहा है। न सिर्फ यहां लोग डिजी साक्षर हो रहे हैं बल्कि इसका लाभ उठाकर तरक्की की मंजिलें भी तय कर रहे हैं। भागलपुर से प्रेमजीत सिन्हा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए जारी किए दिशा निर्देश, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को करेंगे संबोधित। चीन से जारी गतिरोध के बीच केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 ऐप पर लगाया प्रतिबंध। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, प्रदेश में रोजाना 15,000 कोरोना सैंपल की हो जांच।